मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले छतरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में भगवा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 26,50,000 रुपये कैश जब्त किए। इस कैश के साथ एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। बड़ा मलहरा सीट पर उपचुनाव की वजह से भगवा थाना पुलिस गुवारा में चेकिंग कर रही थी, तभी बस में चेकिंग के दौरान एक युवक बैग के साथ बैठा मिला। जब इस बैग की पुलिस ने तलाशी ली तो ये कैश बरामद हुआ। डीएसपी पंकज मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान युवक के पास से इतनी बड़ी रकम बैग में मिली है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए रकम जब्त कर ली गई है और युवक को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है। ऐसी सूचना मिली कि एक व्यक्ति नंदा ट्रेवल्स बस है जो छतरपुर से गुवारा की तरफ आ रही थी उस पर कुछ कैश लेकर के जा रहा है। तो सूचना पर हम लोगों ने एफएसटी टीम को भी सूचित किया, हमको भी मौके पर बुलाया और थाने के सामने नाकाबंदी करके उस बस को रोका और चेकिंग करने पर एक व्यक्ति काले कलर के बैग में कुछ चीजें रखा हुआ, कैश जैसी चीजें रखा हुआ मिला। तो जिससे पूछने पर उसने बताया कि वो लगभग 26,50,000 रुपए कैश लेकर के वहाँ छतरपुर से निकाल करके और गुवारा की ओर जा रहा था। सर अभी तक कुल कितनी राशि चुनाव के समय तक जब्त की गई है? पूर्व में लगभग 14,68,000 की राशि एक बार जब्त की गई थी और अभी इस बार 26,50,000 रुपये की राशि और जब्त की गई है।